पहले रेंज डोमेन सबसे ज्यादा हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बोला log 3x माइनस 1, और इसे अभी नॉर्मल ले लेता हूँ, बिल्कुल इजी। रेंज और डोमेन, डोमेन की बात करूंगा अभी, रेंज भी नहीं निकालूंगा। रेंज के लिए आप लोग 11th में देखना बहुत ज्यादा डिटेल में, बट डोमेन के लिए मैं बता देता हूँ आपको। नॉर्मल मतलब यही देखना होता है x की क्या वैल्यू है, तो वी हैव दिस इज ग्रेटर देन 0, हमें पता है सिंपल, बेस 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है बेस। तो नाउ x इज ग्रेटर देन 1/3 मींस डोमेन बिलोंग्स टू 1/3 टू इंफिनिटी। ओके, और देख लेते हैं भाई दो दो कंडीशन एक साथ, समझना जरा इस कंडीशन को। अब मैं ना सबके लिए कंडीशन लगाऊंगा, बेस के लिए भी कंडीशन लगाऊंगा, अब समझना जरा। अब तो भाई इसके लिए भी कंडीशन, इसके लिए भी, अब यहां पर क्या वैल्यू पुट कर सकते हो आप? कहो सर कुछ भी पुट करो, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, इसका मतलब x ग्रेटर देन 7। और इसके लिए क्या कंडीशन होगी? अब आप भाई बेस के लिए भी कंडीशन होती है, बेस मस्ट बी 0 एंड Also, base does not equals to 1. ये x उधर shift करो तो ये कहेगा x की value 12 से छोटी, and also x does not equals to 11. Okay? चलो ये कहता है 7 से बड़ा, ये कहता है 12 से छोटा, तो आप कहोगे सर 7 से बड़ा और 12 से छोटा, 7 से बड़ा बट 12 से छोटा, बट ये कह रहा है बीच में से ना एक नंबर हटा दो 11, 11 नहीं। अच्छा मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि 11 और 12 के बिटवीन तो कुछ है ही नहीं, तो 7 टू 11 लिख देते हैं, गलत है वो। ओनली एक पर्टिकुलर नंबर हटाना है, वो हटाना है 7 भाई, सॉरी 11, 11 और 12 के बिटवीन इन्फिनिटी वैल्यूज है, तो आप पूरे डोमेन को रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है भाई बच्चों, ये समझ में आई कहानी? ये ग्रेटर देन 0 और बेस के लिए कंडीशन होती है ना, 0 से बड़ा और डज नॉट इक्वल्स टू 1, तो एक्स की। अच्छा थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पर आते हैं डोमेन के लिए। अब देखो दो दो लोग अगर आपके पास आ जाएं या तीन आ जाएं, और मैंने बोला इधर x माइनस 7, अब बताओ x की वैल्यू। अब आप लोग थोड़ी सी परेशानी में आ जाओगे, कैसे? आप सोचोगे सर अब क्या, देखो इस लोग के लिए ना ये एक तरह से x की तरह काम कर रहा है ये पूरा, तो इस लोग ने इसे बोला होगा भाई, इसका बेस को कोई दिक्कत नहीं, इसने इसे बोला होगा भाई तू जो भी है जैसा भी है हमें तेरे से कोई मतलब नहीं है, बस तू 0 से बड़ा होना चाहिए, बस सीधी सी बात। ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई 0 से बड़ा लग दो, अब आपको तो x निकालना है तो ये हटाना पड़ेगा, तो 4 ले लो दोनों साइड, एंटी लिया हम लोगों ने तो ये कैंसिल, तो इधर से आ गया x माइनस 7 ग्रेटर देन 1, तो ये आ गया x 8 से बड़ा। अच्छा इसमें अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक और कंडीशन चेक कर लेना कि जो लास्ट वाला लोग है ना उसका ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बस ये भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, मतलब x ऑल्सो ग्रेटर देन, ठीक है ये ग्रेटर देन 8 है तो 7 से बड़ा ही होता है। ये तो था सिंपल कंडीशंस। इन केस थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हम लोग, दो तीन चार लोग आ जाते हैं फिर क्या होता, तो उस तरह का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। हटा दूं भाई यहां तक, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए आप। ये गया, देखो जरा और अच्छा क्वेश्चन, 3 log 8 log 5 log, इसे 8 की जगह ना 2 कर लो और 3, और मैंने यहां पर दिया x माइनस 15, अब बोलो क्या चाहता है, देख लेते हैं क्या चाहता है। देखो ये लोग फिर इसे कहेगा कि भाई तू जो भी है, आई डोंट नो जो भी है तू ना जैसा है वैसा रहे, हमें कोई मतलब नहीं तेरे से, बट ये कहेगा कि भाई एक काम कर दे बस 0 से बड़ा होना चाहिए तू, वरना लोग की कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी। ठीक है ना, बोलो भाई, देखो जरा ध्यान से कैसे करेंगे इसे हम लोग, दिमाग लगाओ थोड़ा सा भाई। ये देखो ये 2 ये उड़ा दिया, रह क्या गया 1, फिर आप कहोगे log 5 log 3 x माइनस 15 ग्रेटर देन 1, यहां तक भी ठीक है। अब बोलो, अब आप कहोगे सर ये 5 हटा दिया, चलो ये भी ठीक है तुम्हारी कहानी,
देखो धीरे धीरे आ रहे ना आप आंसर के पास। इसी तरह बच्चों अगर थोड़ा धीरे 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 मेहनत करते जाओगे तो डेफिनेटली अपने टारगेट को अचीव कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे कराने वाला तो मैं हूं ना, डोंट वरी, बस बढ़िया से मेहनत करते रहो। ठीक है, उसके बाद जब स्टार्ट करेंगे अपने बैच 13 से, मैंने बोला हुआ है आप लोग को अबसो, ठीक है, तब से फिर हम लोग कंप्लीट 12th स्टडी करेंगे, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, जेईई मेंस, एडवांस, सब कुछ। ये भाई 3 की पावर 5, सॉरी मैंने गलती कर दी, दिस वन इज 3 की पावर, ठीक है, 5 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, अभी से उधर शिफ्ट कर दो बस, x ग्रेटर देन 243 प्लस 15, मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 258, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा मैं एक छोटी सी कंडीशन और करा देता हूँ। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन लिया, रूट में लिया मैंने लोग को ना, किसी को लोग, यहाँ पर लिया 0.4, 2x माइनस 7 डिवाइड बाई 2 ले लेते हैं, ठीक है 2 नहीं 3 ले लेते हैं। अब बताओ x की क्या क्या वैल्यू है। अब तो दो फंक्शन मिक्स हो गए भाई, दो फंक्शंस मिक्स हो गए, तो आप ये कहोगे कि सर अब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, अगर दो फंक्शंस मिक्स हो जाएंगे, मैं मार्कर चेंज कर दूं भाई, देख लो जरा। अब आप कहोगे कि सर रूट के अंदर की जो कंडीशंस है, लोग 0.4 2x माइनस 7 डिवाइड बाई 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये चमक रहा है ना ज्यादा, वो ऊपर वाला थोड़ा सा लाइट है, डोंट वरी। नाउ अब समझो क्या अभी भी बेस, भाई रूट के अंदर जो भी होता है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब बोलो जरा मेरी कहानी, अब क्या करेंगे। अब ध्यान रखना एक बात, क्या बात यह है कि ये बेस हो गया 1 से कम। अब अगर आप लोग इसमें ऐसा लोगे ना 0.4 log 0.4 2x माइनस 7 डिवाइड बाई 3 सॉरी, और इधर लोगे 0.4 की पावर 0, तो भैया नेचर हो जाएगा चेंज, अभी था ग्रेटर देन अब बन जाएगा लेस देन, समझ में आ गया, बिकॉज बेस लाई बिटवीन 0 टू 1। बार बार बोल रहा हूँ ये बात, ये उड़ा दो ये 1, बस अब तो कहानी खत्म, गया ही टाटा हो गया इसका बिल्कुल। ठीक है, ये 3 उधर, 2x माइनस 7 लेस देन 3 ये उधर, एक कंडीशंस बस आप लोग को और ध्यान रखनी पड़ेगी, यहां तक तो ठीक था, बट लोग को मैंने अभी अभी बोला था ना कि इसकी अपनी भी तो कंडीशंस होंगी कि दिस वन इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो एक कंडीशंस और, 2x माइनस 7 डिवाइड बाई 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और यहां से क्या आएगा बच्चों, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो ये 0 के साथ ये 7, तो ये कहेगा कि x की वैल्यू 7/2 से बड़ी, सॉरी बहुत बड़ी सॉरी, ये लो यही आएगा ना, मींस ये अंदर वाला लोग खुद भी कह रहा है भाई मेरी भी तो एक कंडीशंस है ना, हमने जो कंडीशंस लगाई वो स्क्वायर रूट की लगाई, लोग की भी तो कंडीशंस थी, तो लोग कहता है वैल्यू ना 7/2 से बड़ी लूंगा, ये कह रहा है कि मैं 7/2 से बड़ी लूंगा, ये कह रहा है कि मैं, मुझे रूट कह रहा है कि मुझे जो वैल्यू चाहिए वो 5 से छोटी, समझ रहे हो, तो भैया 7/, यहां पर दिख रहा है ना आप लोगों को, तो वैल्यू आएगी ठीक है 7/2 से बड़ी, और ये कह रहा है 5 से छोटी, ये ठीक है, मींस ये स्क्वायर रूट की कंडीशंस पहले और फिर लॉग की कंडीशन, दोनों की कॉमन वैल्यूज हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। ओके भाई बच्चों।